बुरहानपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उनके हाथ में पूर्व के मामले में एक देसी कट्टा बेचने वाले गिरोह के फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ज्ञात हो कि खकनार क्षेत्र के ग्राम पाचोरी में कई वर्षों से सिकलीकर समाज के लोग देसी कट्टा बनाने का कार्य करते आए हैं। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा के अनुसार पूर्व में पाचोरी गाँव के एक सिकलीकर से दरियापुर के पास 21 कट्टे पकड़े गए थे। ये लोग कुछ आदिवासियों के द्वारा कट्टे बिकवाने का काम कर रहे थे। पुलिस ने दो आदिवासियों को पकड़ा था जिन पर मुकदमा कायम कर लिया गया था, जिनसे 21 कट्टे बरामद भी किए गए थे। इन लोगों से ही इन आरोपियों का नाम सामने आया था। एक का नाम निहंग उर्फ नरेंद्र सिकलीकर, दूसरे का नाम आसन सिंह सिकलीकर। उनमें से एक निहंग उर्फ नरेंद्र सिकलीकर को पहले ही 8 से 10 दिनों में पकड़कर पुलिस ने सफलता हासिल की थी। दूसरा मुख्य आरोपी आसन सिंह को खरगोन के भगवानपुरा से पुलिस ने पकड़ा है। ज्ञात हो कि मामला बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना के अंतर्गत आता है। पूर्व में यह मामला खकनार के दरियापुर में ट्रेस कर पुलिस ने सफलता अर्जित की थी। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा के अनुसार पुलिस को एक दिन की PR मिली है। पुलिस इस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस कोशिश कर रही है कि इस मामले में और 5 दिन की PR मिले जिससे और भी राज खुल सके। विराट 24 न्यूज के लिए बुरहानपुर से हेमराज रघुवंशी की रिपोर्ट। कुछ सेंट्रल एजेंसी के इनपुट के आधार पर हम लोगों ने कार्यवाही की थी जनवरी के माह में, जिसके अंदर कुल मिला के 21 कट्टे जो है वो पकड़े गए थे। और इसमें 2 सिकलीगर थे जिन्होंने आदिवासियों को सामने रख के ये कट्टे बेचने का प्रयास कर रहे थे। उस ट्रैप के अंदर हम लोगों ने दोनों आदिवासी और 21 कट्टे बरामद कर लिए थे, जिसमें मुकदमा कायम किया गया था। और जैसे ये दोनों सिकलीगरों का नाम क्लियर हुआ था, एक का नाम निहंग उर्फ नरेंद्र सिकलीगर, दूसरे का नाम जो था वो आसन सिंह सिकलीगर। उसमें से एक नरेंद्र उर्फ निहंग सिकलीगर को 8 से 10 दिनों के अंदर ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जो इनका मेन आरोपी था आसन सिंह सिकलीगर, ये 31 जुलाई को अभी भगवानपुरा के पास से हम लोगों ने पकड़ा है। और इससे अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। आज एक दिन की PR हमें कल मिली थी, अभी उसमें और भी कम से कम 4 से 5 दिन की एक्स्ट्रा PR लेने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और आज उसको पेश करेंगे 4 से 5 दिन की एक्स्ट्रा PR। ये शिकारपुरा थाने का मामला है। ये सिकलीगर दरियापुर के पास में इन लोगों को ट्रैप किया गया था और वहीं पर इनकी गिरफ्तारी की गई थी।